A food packet is dropped from a plane going at an altitude of 100 meters. What is the path of the packet as seen from plane? ओके तो हमने एक पैकेट ड्रॉप करा है प्लेन से, 100 मीटर की हाइट पे है प्लेन. तो व्हाट इज द पाथ ऑफ द पैकेट एज सीन फ्रॉम द प्लेन. प्लेन से देखने पे पैकेट का जो पाथ होगा, जो ट्रेजिक्टरी होगी, वो कैसी होगी, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग. तो अगर प्लेन से एक पैकेट ड्रॉप करा जाता है, सपोज ये पैकेट है और प्लेन यू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जैसे ही पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो पैकेट के पास भी इसी डायरेक्शन में यू ही इनिशियल वेलोसिटी होगी और नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा वो, ठीक है, जी एक्सेलरेशन के साथ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हियर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन. तो प्लेन के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल है उसके पास कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. तो velocity, initial velocity of packet with respect to plane in x direction, that is initial velocity of packet minus initial velocity of plane. So दोनों के पास u ही है, तो जो plane की relation में इस packet की velocity होगी horizontal direction में, वो होगी zero. तो यानी कि plane से अगर हम इस packet को देखें तो वो हमको horizontally move करता हुआ दिखेगा ही नहीं. Okay, तो हमको प्लेन से ये पार्टिकल या पैकेट सीधा डाउन ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है नहीं, तो बची डाउनवर्ड वेलोसिटी. सो ये डायरेक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन करेगा. सो विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन द पैकेट हैज ओनली वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी. सो प्लेन ऑब्जर्व स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द पैकेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. व्हाट इज द पाथ एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड. If someone asks, what is the actual path, what will be your answer? तो अब question बोल रहा है कि ground से देखने पे कैसे दिखेगा. तो ये जो इसकी initial velocity u है, ये ground से देखने पे ही होगी. Okay? तो ground से देखने पे इसके पास initial velocity भी होगी और नीचे भी आ रहा है, तो 2D motion हो रहा है, क्योंकि x direction में भी move कर रहा है और y direction में भी move कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी trajectory follow हो, ट्रेजेक्टरी होगी इस पैकेट की. सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पार्टिकल हैज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट्स. ओके, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा जी एक्सेलरेशन के साथ, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो प्लेन की थी वही रहेगी. सो पाथ विल बी अ पैराबोला. ओके, और सी पार्ट का जो आंसर होगा, नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो नो एक्चुअल पाथ. क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन कह रहा है वट विल बी योर आंसर, दैट इज ऑफ वट क्वेश्चन, वट इज द एक्चुअल पाथ. तो एक्चुअल पाथ तो ना तो ये वाला होगा और ना ये वाला होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि पाथ डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. तो एक्चुअल पाथ हम किसी को भी कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, इसलिए एक्चुअल पाथ भी नहीं होगा. थैंक यू.